वर्च्यू बेबी में आज फिर आपके साथ है नमस्कार अभी तक जो इस सफ़र में हमने देखा है वो ये कि जब वूम में बेबी है पूरी प्रेगनेंसी में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि माँ की मन की स्थिति क्या है और एक और बात हम बार बार दूसरों पर ब्लेम करते हैं और ये कहते हैं कि उनके कारण ये हो रहा है ये मेरी ज़िंदगी में मैं क्या करूँ लेकिन अल्टीमेटली इट्स माई लाइफ एंड माई चाइल्ड लाइफ तो मैं जो जब बेबी बाहर आएगा -b 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 उसके बारे में तब सोचूं इससे पहले बहुत ज़रूरी है कि जब वो में ही है तब मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है हाँ पूरे परिवार की भी जिम्मेदारी है लेकिन जब मैंने माँ होने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो बहुत कुछ मुझ पर निर्भर करता है आज कुछ और बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा सपोर्ट सिस्टम जो है वो कैसे मदर की हेल्प कर सकता है हर बार की तरह हमारे साथ है जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर की तरह हमारे साथ हैं ओम शांति डॉक्टर नितिका जो पिछली कड़ी में हमने बात छोड़ी थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी जब हम सपोर्ट सिस्टम की बात कर रहे थे कि ये जब मुझे कुछ सपोज पता चलता है एक मदर के रूप में इफ आई एम प्रेगनेंट तो मेरे होश तो उड़ते हैं लेकिन उस टाइम पे जो परिवार का सपोर्ट होता है वो मुझे उतना सपोर्टिव नहीं लगता और आपने कुछ कहा था कि बाहर के सपोर्ट की आजकल जो तलाश कर रहे हैं व्हाट इज दिस होल प्रोसेस से जो हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में हम एक बर्थिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट आजकल जनरेट कर रहे हैं जिसको बेसिकली पहले हमने लिमिट किया हुआ था कि जब जो पेन्स होंगी जब हमारी डिलीवरी से पहले जो लेबो पेन्स के टाइम पे कोई चाहिए जो डिटैच होके जो मुझे लगता है वो कॉन्सेप्ट ऐसे आया है कि जब आपकी ऑलरेडी वाइफ पेन में है तो उसको कैसे सपोर्ट किया जाए तो हस्बैंड वैसे ही ऑब्वियसली इतना नहीं उसमें भी स्ट्रेंथ है कि वो अपनी वाइफ को कर सके तो वो बर्थिंग पार्टनर को हम हमने डोला का नाम दे दिया कि वो उसको प्रेगनेंसी के थ्रू उसके पास एक कॉन्स्टेंट सपोर्ट पर्सन है जो उसको एक ओपिनियन uh, भी देगा उसको गाइड भी करेगा उसकी हेल्प भी करेगा उसकी नॉट एग्जैक्टली क्वेरी सॉर्ट आउट करेगा उसके लिए तो डॉक्टर्स नॉट बेसिकली नॉट मेडिकल एक्सपर्ट्स बट हैव लिटिल बिट मेडिकल नॉलेज एंड दे विल भी बेसिकली सपोर्टिंग मीन्स मेंटली इमोशनली सपोर्टिंग कह सकते हैं जैसे okay. इंडिया में दाई हम बोला करते थे अभी हमने उसको डोला का नाम दे दिया है इट्स रिफाइंड पॉलिश नेम बट बेसिक बात है सपोर्ट सिस्टम जो हमसे थोड़ा सा जो हम कहेंगे वो बस समझ लेगा हमें आई थिंक उसके साथ वो कंट्रोवर्सी भी नहीं होगी कि जैसे सपोर्ट चाहिए वो दे भी देगा बिकॉज थोड़ा देर मस्ट भी सम डिफरेंस सो इट इज एक्चुअली अपकमिंग एंड हम कह, हमारे कई हॉस्पिटल्स में वो हैवी डोला बर्थिंग इज कमिंग आउट वेरी कॉमन बेसिकली एडिंग फॉर अचुरल लेबर कि वो मदद करते हैं लेबर को लेबर के प्रोसेस को गो थ्रू करने में मदर को एम्पावर करते हैं वो और हस्बैंड भी हो सकता है आपकी सिस्टर भी हो सकती है आपकी मदर भी हो सकती है मदर इन लॉ भी हो सकती है वो बर्थिंग पार्टनर एक डॉला ही नहीं हो सकती तो ये सारे लोग जो हैं आपके सपोर्ट सिस्टम में आते हैं तो आज हमारे इवन चाइल्ड बर्थ क्लासेस भी जब हम करते हैं ना दे आर बेसिकली एजुकेशनल क्लासेस जो ऑलमोस्ट ऑफ एंड ऑन किसी किसी हॉस्पिटल्स में होती हैं हर एक एरिया में कई हॉस्पिटल जरूर है जो कर रहे हैं बेसिकली मदर को किस लिए फिजिकली भी मेंटली भी इमोशनली भी एम्पावर करना है किस से नॉलेज से एम्पावर कर रहे हैं और हम इनकरेज करते हैं कि आप अपने सपोर्ट पर्सन को अपने बर्थिंग पार्टनर को उसमें लेके आओ आई वु सेबाउट फिफ्टी परसेंट लाते हैं और जो आते हैं दे आर वेरी इंटरेस्टेड वेरी कोई अपने सिस्टर को ले आते हैं कोई अपने मदर को कोई मदर इन लॉ को कोई हस्बैंड्स आते हैं ताकि वो भी पूरे प्रोसेस को उतना ही क्लियरली साइंटिफिकली समझें जिस तरह से मदर को एक्सपेक्टेड मदर को समझना है और मैंने देखा है समाओं आजकल ये डोला बर्थिंग क्यों इतनी आई मीन पीपल आर प्रेफरिंग इट अपने घर के उससे वो लोग डोला भी प्रेफर कर लेते हैं कई बार सो आई थिंक सम रीजन टू इट मे बी देर ले कर सकते हैं अवेलेबिलिटी में भी होंगे मतलब ओनली थिंग जो मेरा माइंड सोच सकता hmm. है कि क्यों concept, ना अगर हम देखते थे

Uh, पूरा इंफॉर्मेशन है या जिस भी प्रोसेस में वो है उसकी स्थिति ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि वो मुझे एम्पावर कर सकता है एक्चुअली इस पार्टनर से हमें नॉलेज नहीं चाहिए इतनी आई अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस कुछ नॉलेज तो डॉक्टर से मिल रही होगी सारी यू एट सच अ टाइम आप कोई नॉलेज किसी लेमैन से लेकर कोई डिसीजन नहीं लेंगे तो वो तो डॉक्टर से मिलनी है आपको सिर्फ इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट यू नो कॉन्स्टेंटली फिजिकली आपके साथ प्रेजेंट एंड इमोशनल स्ट्रेंथ अब ये एक घर का मेंबर करे या एक प्रोफेशनल करे तो दोनों में हमें देखना पड़ेगा कि डिसीजन हमें किस बेसिस पर लेना है आज हम क्यों प्रेफर कर रहे हैं कि एक प्रोफेशनल करे तो वो हम एक और चीज में देखते हैं आज हर स्कूल के अंदर एक काउंसलर है राइट hmm. right? आज हम भी कोई प्रॉब्लम है कोई बात है पीपल फाइंड इट वेरी इजिली लेट्स गो टू अ काउंसलर ट्वेंटी ईयर्स पहले दिस वॉज नॉट सो कॉमन के एक काउंसलर के पास चलते हैं एंड स्कूल में काउंसलर कंपलसरी तो मतलब था hey, ही नहीं हमारे टाइम no. पे तो काउंसलर था दे हैव टू टू काउंसलर्स काउंसलर्स मतलब सो मेनी हंड्रेड स्टूडेंट्स के लिए Aik एक काउंसलर होना चाहिए अब ये काउंसलर क्या कर रहे हैं कि जो उस बच्चे ने अपने मम्मी पापा से बात करनी है घर जाके अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी जो भी स्कूल में होगा या कोई एडिक्शन की बात कोई रिलेशनशिप की बात वो पेरेंट्स से करने के बजाय उस काउंसलर से कर सकते हैं क्योंकि काउंसलर नॉन जजमेंटल होके बिल्कुल आराम से आपकी बात को सुनेगा बच्चा कुछ भी जाके बता दे मेरे से ये 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 हो गया है काउंसलर कहेगा इट्स ओके अभी देखते हैं क्या करना है एंड वो आपकी पूरी एक घंटा बात सुनेगा विदाउट रिएक्टिंग hmm. अब एक घंटा बात सुन लेना विदाउट रिएक्टिंग विदाउट क्रिटिसाइजिंग विदाउट बींग जजमेंटल एंड विदाउट पुटिंग एलिगेशन के यू आर रॉन्ग ये बहुत यही चाहिए अब ये रोल पहले पेरेंट्स क्या करते थे फ्रेंड्स क्या करते थे आज काउंसलर कर रहा है तो वे आज सेल्फ कि हम क्यों प्रेफर करते हैं कि हम परिवार के बजाय काउंसलर के पास जाएं क्योंकि काउंसलर की जो हमारे प्रति रिस्पेक्ट है वो हमारी गलती सुनने के बाद चेंज नहीं होती है तो सर शिवानी लेकिन बहुत बार ये देखा भी गया है खासकर जब स्कूल्स की बात करें कि काउंसलर्स भी क्या नॉन जजमेंटल हो पा रहे हैं बिकॉज समवेयर जो हमने अपनी वो बना रखी है इमेज जो बच्चे की होनी चाहिए या वो और उसमें कई बार तो काउंसलर का कहा हुआ शब्द या जजमेंट वो ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है बच्चे के लिए डेफिनेटली अब अगर काउंसलर नॉन जजमेंटल नहीं हो पा रहे हैं देन दे आर नॉट सर्विंग द पर्पज ऑफ बींग अ काउंसलर सिंपल क्योंकि काउंसलर मीन्स वो जो नॉन जजमेंटल होके रिस्पेक्ट और प्यार प्यार जो भी मतलब क्योंकि एक स्ट्रेंजर के लिए यू डोंट फील दैट काइंड ऑफ लव लेकिन वो जो एनर्जी है आपकी रिएक्टिव या नेगेटिव नहीं होनी नॉट ओनली इन वर्ड्स काउंसलर मीन्स वो जिसके मन में भी आपकी बात सुनने के बाद आपके प्रति एक भी ऐसी थॉट hmm. नहीं आए जैसे जिस दिस मॉर्निंग आई गॉट एन ई मेल फ्रॉम अ गर्ल एंड उसने अपनी जीवन की इस टीन एजर टाइम में दो तीन बड़ी बड़ी गलतियाँ लिखी हैं एंड हर पैराग्राफ के बाद उसने एक लाइन लिखी है आप सोच रहे होंगे ना कि आई सच अ बिग सिनर एंड शी इज़ यूज दैट वर्ड क्या आप सोच रहे होंगे ना मैंने ये वैसे बात किसी को नहीं बताई अच्छा फिर एंड में लिखिए मुझे पता है शायद ये पढ़ने के बाद आप मेरे बारे में पता नहीं कैसा सोचेंगे शायद इसके बाद आप मेरी ईमेल को रिप्लाई नहीं करेंगे कि आई एम अ सिनर सी देन द गिल्ट जिसके थ्रू वो बच्चा या कोई भी जो गुजर रहा है उसको इस टाइम पर कुछ भी नहीं चाहिए कुछ भी नहीं चाहिए नॉन जजमेंटल सपोर्ट वो अगर मिल गया उसकी हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी तो काउंसलर को भी यही करना है लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि एक प्रोफेशनल की जगह क्या फैमिली हम नहीं ये कर सकते क्योंकि काउंसलर नॉन जजमेंटल होकर सुन सकता है लेकिन जैसे आपने कहा कि वो काउंसलर कई बार ज़्यादा हार्श हो सकता है क्योंकि काउंसलर के अंदर उस बच्चे के लिए या उस व्यक्ति के लिए कोई प्यार की एनर्जी तो नहीं है ना कोई वो केयर की एनर्जी जो एक पेरेंट के अंदर है वो नहीं है तो पेरेंट कैन बी द बेस्ट काउंसलर उसके अलावा तो कोई उससे बेटर काउंसलर नहीं हो सकता प्रोवाइडेड वी आर नॉट जजमेंटल एंड क्रिटिकल जैसे हम वो बात को सुनते हैं क्योंकि सामने वाला दर्द में है दे वॉन्ट वन पर्सन जो दर्द में नहीं है एंड हुटेबल लेकिन पैसे देखे या किसी स्ट्रेंजर के पास जाना इसके लिए तो आपको नॉन जजमेंटल एडवाइस मिल जाएगी नॉन जजमेंटल सपोर्ट मिल जाएगी लेकिन प्यार की वो वाली एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेम फॉर दिस बर्थिंग <laughs> पार्टनर वो आपके पास बैठ सकते हैं आपको पीठ थपथपा सकती है लेकिन जब वो आपकी पीठ थपथपा रही है हाथ नॉट एवरीबडी हैज दैट एनर्जी ऑफ केयरिंग एंड लव फॉर अ स्ट्रेंजर सब नहीं कर सकते कुछ लोग करते हैं कि वो एक स्ट्रेंजर को भी बहुत प्यार दे सकते हैं सब नहीं कर सकते बाकी सब क्यों कर रहे हैं वो पैसों के लिए hmm. एनर्जी वाइब्रेशन आपको और आपके बच्चे को क्या मिल रही है कि मैं आपकी पीठ इसलिए थपथपा रही हूँ आपका हाथ मैंने इसलिए पकड़ा हुआ है क्योंकि इस एक घंटे के मुझे इतने पैसे मिलने वाले हैं एंड mm. अगर आपकी मदर इन लॉ बैठी होती तो शायद वो आपको टोक देती कुछ कुछ बोल देती लेकिन उसकी आपकी केयर के प्रति भी और आपके बच्चे के प्रति भी अनकंडीशनल लव है कि ये कौन आ रहा है मेरे घर में यू नो वो वाइब्रेशन यू आर डिप्राइविंग योर सेल्फ ऑफ दैट लव यू नो वी लुक एट प्रोफेशनल एक्यूरेसी हम कहते हैं वो बड़ा एक्यूरेट करेगी सब कुछ आपकी मदर इन लॉ शायद एक्यूरेट नहीं करेगी उतना लेकिन जो प्यार और पावर यू नो स्ट्रेंथ वो आपको और आपके बच्चे के लिए अभी क्रिएट कर रही है अंदर वो बेस्ट प्रोफेशनल hmm. भी वो वाली एनर्जी नहीं क्रिएट कर रही है आपकी बॉन्डिंग हाँ. किसके साथ होगी सपोज डॉक्टर नितिक का मदर है एंड डॉक्टर भी है अब वो हर पेशेंट को कितने भी प्यार से मिले लेकिन शी कैन नॉट क्रिएट द सेम बॉन्डिंग विद चाइल्ड जो उसके अपने बच्चे के साथ है ना घर पे आप कितना भी कर लो आपका अपना बच्चा है आपकी उसके साथ जो बॉन्डिंग है वो किसी के साथ नहीं हो सकती ऑन अ प्रोफेशनल लेवल तो सिमिलरली आपकी मदर इन लॉफ हसबेंड जब ये लोग बैठेंगे या आपकी ननंद है आपकी भाभी है जैसे कहा आपकी बहन है इनकी जो बॉन्डिंग है hmm. वो किसी केयर गिवर की बेस्ट केयर गिवर की भी वो एनर्जी और वाइब्रेशन hmm. नहीं हो सकती तो हमें बैठ कर ना प्रोज एंड कॉन्स निकालने पड़ते हैं hmm. कि यहाँ से मुझे ये मिल सकता है लेकिन ये नहीं मिलेगा यहाँ से मुझे परफेक्ट केयर मिलेगी लेकिन प्यार नहीं मिलेगा यहाँ से मुझे प्यार और पावर मिलेगी लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें भी सुननी <laughs> पड़ेंगी मुझे कौन सी लेनी आई थिंक वाइब्रेशन जो आपको और आपके बच्चे को भी मिले उसका सबस्टिट्यूट mm. कुछ एक्चुअली मदर इन लॉ है वो ये ध्यान रख लें थोड़ा सा mm. कि इस समय हम दर्द में है हम अपनी कोई भी बात से या सोच से पेन एड नहीं करें सो देट दैट परफेक्ट कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाएगा कि वो प्यार भी दे रहे एंड जो प्रोफेशनल केयर गिवर डिटेच्ड होके दे सकता था

सो so, एक तो हम बार बार बात जो की है कि स्ट्रेस यू नो बच्चे से जुड़ा हुआ है कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा वो सब कुछ हो रहा है दूसरा मेरे वर्क का प्रेशर यू नो सो वो सारी चीज़ों में हाउ डू होम फ्रॉम होम टू डी एक्सपेक्टली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो हमारा जॉब स्ट्रेन हमारे लॉन्ग वर्किंग आवर्स अभी तो लॉन्ग ट्रैवलिंग आवर्स उसको ऐड कर देते हैं ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं बिकॉज इन सब के कारण भी हम जो जो क्रिएट कर रहे हैं एंगजाइटी स्ट्रेस और बिना प्रेगनेंसी के भी क्रिएट हो रहा है यू you नो know, अगर हम प्रेगनेंट नहीं है hmm. तो भी हम क्रिएट कर रहे हैं टाइम पे पहुंचना है टारगेट्स मीट करने हैं डेडलाइंस हैं सो so, कहीं ना कहीं हम जब प्रेगनेंट है तो हमारा ऑलरेडी काफ़ी एनर्जी अंदर उसकी ग्रोथ मैचूरेशन डिवेलपमेंट ऑफ बेबी में भी जा रही है पर अगर हमने वो टारगेट को वहीं रखा है जॉब के आवर्स को वहीं रखा है और आजकल तो नाइट ड्यूटीज शिफ्ट ड्यूटीज इट्स सो कॉमन एंड यू नो इसी को देखते हुए बहुत लार्ज स्टडीज़ जो हुई हैं उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है अभी रिसेंटली कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर होने का कारण कुछ हद तक लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स जॉब स्ट्रेन बहुत आई मीन दीज आर रीजंस दे हैव गिवन कि अगर एक जॉब भी है तो उसका प्रोफाइल कैसा है वो बहुत मैटर करता है hmm. तो एटलीस्ट अगर घर नहीं बैठ सकते प्रेगनेंसी में वो छोड़ना नहीं पॉसिबल हो रहा आप लोगों आपको लगता है बट एटलीस्ट प्रोफाइल तो चेंज कर सकते हैं यू नो उन्होंने बेसिकली इवेलुएट किया वर्क कि कैसा था hmm. उनके आर्ट्स कितने थे उनको शिफ्ट ड्यूटीज थी या नहीं थी उन्होंने उनको प्रेगनेंसी से लेकर मतलब बेबी की हेल्थ के ऊपर उसके वेट और उसके उसकी आ, फिजिकल मेंटल सारी चीज़ों के प्रेगनेंसी का अफेक्ट उस पर उनको इसको कैसा फील होता था उसके बारे में जिसको हमने प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड एंग्जाइटी कहा उन्होंने ये सारे फैक्टर्स को लिया और उसमें उस उतनी बड़ी स्टडी में उन्होंने ये निकाला कंक्लूजन कि जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है वो भी बहुत है hmm. सिर्फ प्रेगनेंसी रिलेटेड एंगजाइटी ही बहुत नहीं है वो भी बहुत है जिससे हमारे हाइपर जिसको हम प्री एक्स कहते हैं ये बहुत कॉमन वर्ड है यू नो प्रीलैम्सिया प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो सिर्फ एक हाई बीपी नहीं होता प्रेगनेंसी में उसमें हमारे बीपी की वजह से मदर की किडनीज पे भी अफेक्ट होता oh. है उसमें हमारे आईज uh, पे भी अफेक्ट हो सकता है मदर की सो बिकॉज इट्स अ सिस्टम इन्वॉल्वमेंट ना अगर बच्चे के सारे सिस्टम बन रहे हैं तो हमारे हर सिस्टम पे अलग तरह का लोड चल रहा है सो hmm. so, जहाँ हमने वर्क से रिलेटेड प्रेशर को भी स्टैटिक रखा जो पहले था ऊपर से ये सब भी आ गया नॉट इजी टू हैंडल सो दे केम आउट विद दैट कंक्लूजन कि डेफिनेटली शिफ्ट ड्यूटीज नाइट आवर्स लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स जॉब स्ट्रेन वर्क प्रेशर्स टारगेट्स जिनके हैं उनमें ये सब होने के चांसेस आर सिग्निफिकेंटली हायर दे डोंट कम अप विद अ परसेंटेज बिकॉज वो परसेंटेज के लिए बड़ा मुश्किल है निकालना बिकॉज कई और फैक्टर्स हैं जो लो बर्थ वेट बेबी कर रहे हैं प्री टर्म लेबर कर रहे हैं Hy कर रहे हैं डायबिटीज कर रहे हैं तो वो परसेंटेज निकालने सिंपल नहीं है उनके mm. लिए बट दे वर सिग्निफिकेंटली हायर उन्होंने लिख दिया तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा होता है शिवानी की जितना नॉर्मल रखा जाए आज के वक्त में <laughs> ज्यादातर डॉक्टर्स कहते हैं और आई हैव सीन यू नो प्रेगनेंट वुमेन वर्किंग टिल द लास्ट डे मतलब कितने स्कूल के टीचर्स कितने हैं कितने ऑफिस वर्कर्स हैं आई प्रोफेशनल्स हैं जो एंड तक वर्क करते हैं बिकॉज दे से जितना नॉर्मल रखा जाए जितना वर्क कर सकते हो करते रहो ताकि जब बेबी हो जाएगा तब ज्यादा से छुट्टियां लेंगे you know, यू नो सब सुनने के बाद आप करेंगे वो सब नहीं सब, <laughs> सब सुनने नहीं। के बाद ये जो एक यू नो लाइक थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर है, हम लाइन कोई लें कि सब कुछ नॉर्मल रखा जाए तो सब कुछ नॉर्मल रखा जाए मैं तो पहली बात ये कि आपकी मन की स्थिति नॉर्मल रहे अगर आपका काम वैसा है जो आपके मन की स्थिति को अफेक्ट नहीं करता है नॉर्मल में उन्होंने ये मान लिया कि नॉर्मल में भी तो मैं स्ट्रेस ही रहती हूँ अच्छा नॉर्मल में स्ट्रेस्ड रहते हैं और नॉर्मल के स्ट्रेस का असर तो हमारे शरीर पर पड़ रहा था हमने उसको कहा कि नहीं बट आई कांट हेल्प इट आई हैव टू वर्क या मजबूरी है या चॉइस है करियर है लेकिन अब तो वो बच्चा जो बन रहा है और जैसे हमने देखा कि एक 25, 30 और Your old keeper, जो स्ट्रेस का असर पड़ता है लेकिन वो शरीर 25-30 साल का है, mm -hmm. जो शरीर दो महीने का है तीन महीने का है उस पर उस स्ट्रेस का असर mm -hmm. तो वो स्ट्रेस का असर मुझ पर पड़ रहा था तो भी हम कितनी सारी चीजें अपने अंदर देखते हैं फिजियोलॉजिकल एंड फिजिकल चेंजेस तो दो चार महीने के बच्चे के ऊपर कितना असर जो ये हम अभी सुन रहे हैं वो पड़ रहा है टू बी रियली वो दिस स्ट्रेस आई मीन टुडेज आई थिंक आफ्टर लिसनिंग टू सो मच हमें बैठ कर एक मिनट पॉज करना चाहिए क्योंकि हम पूरी जीवन फॉर द नेक्स्ट थर्टी ईयर्स कम से कम जब तक हमारा बच्चा हमारी जिम्मेवार है हम कहते हैं मैं सब कुछ तुम्हारी खुशी के लिए करती हूँ पूरा कपल मतलब हम बच्चों की mm -hmm. हमारी पूरी लाइफ हमारे बच्चे के अराउंड रिवॉल्व होती है हम जो कमा भी रहे हैं हम कहते हैं आपके लिए आई वॉन्ट टू गिव माई चाइल्ड द बेस्ट हम जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे के लिए अगर हमें समझ में आ गया कि इस नौ महीने के दौरान हमारा इजी रहना रिलैक्स्ड रहना मेंटली एंड फिजिकली रेस्टेड रहना हमारे बच्चे को फिजिकली और इमोशनली लाइफ लॉन्ग स्ट्रांग बनाएगा पॉज एंड आस्क योर सेल्फ कि क्या करना चाहिए आई वुड फील के रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टेक अ ब्रेक दिस इज द टाइम टू टेक अ ब्रेक अपने करियर से करियर और बच्चे के बीच में आई डोंट थिंक हमें एक भी थॉट देने चाहिए कि ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है अगर हम अपने बच्चे के लिए अपने करियर को नहीं छोड़ रहे हैं दो साल के लिए इसका मतलब तो हमने अपने करियर को अपने बच्चे से ऊपर रखा है एंड फिर पूरा जीवन हम उसकी अराउंड मेहनत करेंगे एंड हमें अभी भी वो रिजल्ट नहीं मिलेगा अगर हम इस एक दो साल के अंदर ध्यान रख लेते तो हमें क्या रिजल्ट mm. मिलता तो आई थिंक मॉरली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द चाइल्ड वुड बी Take a break. Mm -hmm. आपने कहा कि बेबी इज बोर्न ब्रेक लेकिन अब तो समझ में आ गया कि वो तो अब तो अब बच्चा ठीक है, फिर भी हम चेंज कर सकते हैं लेकिन अब तो बच्चा पैदा हो गया hmm. तब आप उसपे पूरा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जब वो डिवेलप हो रहा था क्रिएट हो रहा था तब हमने कहा स्ट्रेस तो है ट्रैवल तो है खड़ा तो होना ही है टारगेट तो है तब असर पड़ रहा था सो आई थिंक इट्स टाइम टू स्टॉप एन आस्के टाइम भी राइट ड्यूरिंग दीज नाइन मंथ्स टेक अ ब्रेक थ्री मंथ्स में पहले अभी तो सिक्स मंथस हो गई है मेटर्निटी लीव जो है पहले थ्री मंथस हुआ करती थी यू नो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट आई वु फिफ्टीन ईयर्स बैक सो सिक्स वीक्स दे इट वॉज कंपल्सरी बिफोर डिलीवरी सिक्स वीक्स आफ्टर यू के नॉट टेक थ्री मंथसरी इफ यू डेक अगर आप छह हफ्ते पहले डिलीवरी अपनी ड्यू डेट से छुट्टी नहीं लेते हो गई क्यूँकी बेवी के होने के बाद हफ्ते मिलेगी मतलब कितना इम्पोर्टेंट तो था इनफैक्ट you know, तो, तो ये देखा गया है की एक साल की छुट्टी भी ले सकते हैं ये भी अलाउड है इट मीन जो मुझे बात समझ में आ रही है वो ये की बेसिकली जो बेबी को इतना आसान हमने माना हुआ है यू नो लाइक नो द होल प्रेगनेंसी वी ऐसे ही वी डोंट इवन प्लान इट वी से कि हम प्लान कर रहे हैं बट आई थिंक वी शुड प्लान कि

बट देन इसका मतलब हमारे जीवन में क्लैरिटी नहीं है ना mm. कि बच्चे को और करियर को आप एक ही पलड़े में कैसे ले रहे हैं वेर इज द कंपेरिजन एंड यूर एक्चुअली सेंग कि एक हेल्दी एंड हैप्पी बच्चे के लिए मुझे करियर सेक्रीफाइस करना मीन्स यूर एक्चुअली टेकिंग दम टूगेदर टाइम तो ट्वेंटी फोर आवर्स ही है ना डे तो अगर हम इतना टाइम अपने वर्क प्लेस पे निकाल देंगे तो में भी लेकिन और शरीर की स्थिति भी कैसी it's थी रियली यू नो टेक स्टॉक यू नो वेड कि पॉज करने की बहुत जरूरत है थैंक यू सो मच क्योंकि हम जहाँ खड़े हैं वहाँ शायद आज हम अगर पीछे मुड़कर देखें तो क्या हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ से बहुत खुश हैं ये हमें अपने आप से पूछना है और हम एक पूरी जनरेशन की बात कर रहे हैं हम सब कुछ हर बार जब भी बात होती है हम बात की करते हैं कि बच्चा सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो भविष्य है तो भविष्य तो मेरे गर्भ से शुरू हो जाता है मुझे देखने की ये ज़रूरत है कि क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ और उसमें डिसीजन सिर्फ मेरा ही नहीं परिवार का होना चाहिए क्योंकि और इसमें मैं क्यों कितनी बार विमेन देखा गया है कि वो ईगो इशू बन जाता है कि हस्बैंड को तो नहीं लेनी पड़ती छुट्टी इट्स गुड हम छुट्टी ले सकते हैं हम तैयारी कर सकते हैं हम दो साल के लिए तैयार होते हैं हम तीन साल कर सकते हैं क्योंकि अब हमारे सामने इंफॉर्मेशन है नॉलेज है इसको मैंने कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये मेरे अपने हाथ में है मन में कोई बात कोई सवाल है आप हमें ई कर सकते हैं वर्चुअल बेबी में आज इतना ही बहुत सारी बातें और समझेंगे फिलहाल नमस्कार